एवरीवन, वेलकम टू ई विद्यार्थी लॉजिन। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या है वो समझते हैं। वो एरिया, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है। तो वो एरिया जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। अब हमारा जो पेनिनसुला है उसको अगर आप देखोगे तो इट इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म और ये तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसके ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल है, वहीं वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी एंड सदर्न साइड में वी कैन सी आवर इंडियन ओशियन। तो ये थ्री साइड से घिरा हुआ है, यानी कि हमारा जो पेनिनसुला का डेफिनेशन है उसको ये पूरा कर रहा है, यानी कि इसको हम एक पेनिनसुला कह सकते हैं। प्लेटू है, इसके अंदर बहुत सारे प्लेटूज आपको देखने को मिलेंगे। डक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, सो ये सारे प्लेटूज है। सो ये क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेटू, क्योंकि ये एक पेनिनसुलर है जिसके अंदर प्लेटू है। सो दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है, यानी नॉर्दर्न प्लेन से आप साउथ की तरफ चलोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। किस शेप का है ये, हमारे ट्रायंगुलर शेप का है। देयर आर मेनी हिल रेंजेस एंड वैली इन दिस रीजन। एग्जांपल में है आपके पास अरावली, विंध्य एंड सतपुरा, ये सारे रेंजेस हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर आप देख सकते हो। द डक्कन प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स। डक्कन प्लेटू के अंदर बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। आपने हमारे लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में देखा था कि हमारे डक्कन प्लेटू में बहुत सारे ओर्स मिलते हैं, मैंगनीज के हो गए, आयरन के हो गए, ये सारे क्या है, कहाँ मिल रहे हैं, डक्कन प्लेटू के अंदर मिलते हैं। नर्मदा एंड तापी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स विच फ्लो थ्रू द पेनिनसुलर प्लेटू। हमारा जो नर्मदा रिवर है और जो तापी है वो इस प्लेटू से होके गुजरता है। बट इनकी क्या खासियत है, क्यों इतना ही प्रचलित है, क्योंकि दीज आर द ओनली रिवर्स जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन करते हैं, यानी कि ये अरेबियन सी में जाके मीट करते हैं, अरेबियन सी को मीट करते हैं, ये वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं। बाकी सारी नदी आपको ईस्टवर्ड फॉलो करती हुई फ्लो करती हुई दिख जाएगी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या फिर कोई और महानदी हो, ये सारी कावेरी, ये सारी आपको ईस्टवर्ड नदियां देखने को मिलती है, लेकिन ये तो क्या है, वेस्टवर्ड नदी है। सो दीज रिवर फ्लो टूवर्ड वेस्ट एंड ड्रेन इन टू अरेबियन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो आप जब अपने इस प्लेटू को देखते हो, अपने डक्कन प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू जिसको देखते हैं, उसके ठीक पास आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, घाट्स देखने को मिल रहे हैं। ये घाट्स एक्चुअल में क्या है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये एक्चुअल में वो हिली रीजन है, वो हिली एरिया है जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट को हमारे पेनिनसुलर से डिवाइड कर रहा है और वेस्टर्न कोस्ट को हमारे पेनिनसुलर से डिवाइड कर रहा है। So the western ghat marks the western boundary of the peninsular plateau, while the eastern ghat marks the eastern boundary. Yani ye dono hi ghats eastern aur western coast ko hamare peninsula se alag rakha hai. So this is all about our Indian peninsula and isme humne kya kya baat kari, we talked about ki ye कहाँ पे है, इसकी लोकेशन हमने देखी एंड देन वी सी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहा है, रिवर्स देखने को मिल रही है एंड वी सी कि हमारे पास घाट्स भी है एंड देन हमने देखा कि इस घाट्स के आगे हमें कोस्टल प्लेन देखने को मिल रहा है। सो कोस्टल प्लेन को अब हम पढ़ेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू देयर, अंटिल कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय बाय।